हे गाइस, तो वेलकम बैक एक और वीडियो में। तो मैं लेके आ गया हूँ चिट्टूस का एपिसोड नंबर 3 इन हिंदी। तो शुरू करते हैं जल्दी ही। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि युजु रो रही होती है एंड फिर अचानक से वो चुप हो जाती है। तो हारुमी कहती है कि प्लीज़ ऐसे शांत मत हो जाना, वरना मैं तुम्हारे बिना एक दिन भी रह नहीं सकती। ये सुनकर युजु कहती है कि थैंक्स हारुमी तुम्हारे इस मोटिवेशनल वॉइस के लिए, एंड उसे थैंक्स कहती है एंड अपना वो दो उंगली वाला साइन दिखाती है जिसका मतलब है कि वो अब ठीक है। एंड इसे देख के हारुमी काफ़ी खुश हो जाती है। एंड नेक्स्ट सीन में ये अपने घर पे होती है एंड सोच रही होती है क्या ये सच में लव है। आगे युजु कह रही होती है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कहता है एंड कोई क्या सोचता है, अब मैं और नहीं पाऊंगी। एंड बार बार वो ग्रैंडपा से माफ़ी मांगती रहती है एंड एक बार उनके घर में पहुंच जाती है एंड दरवाज़ा खोलती है तो तभी वो देखती है कि वो ग्रैंडपा नीचे गिरा हुआ होता है एंड वो उन्हें हॉस्पिटल में ले जाती है, जहाँ पर हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर मैं आई होती है। मैं उसके ग्रैंडपा के वार्ड में जाती है, तभी वहाँ पर नर्स कहती है कि शांत रहो ये सो रहे हैं। यहाँ पर नर्स बताती है कि एक लाइट बाल वाली लड़की इन्हें लेके आई थी एंड अपने आप को इनकी ग्रैंड डॉटर बता रही थी। एंड मैं यहाँ पर समझ जाती है कि वो युजु ही थी। एंड एक तरफ हम देखते हैं कि युजु की आँख अभी खुल रही है एंड वो देखती है कि वो सो गई थी एंड वो तभी ग्रैंडपा के वार्ड में जाने लगती है एंड वार्ड में जाके देखती है तो वहाँ पर मैं बैठी हुई थी। एंड युजु कहती है कि मैं घर जा रही हूँ एंड मैं कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। एंड ये दोनों बाहर होते हैं। पहले तो ये ग्रैंडपा को हॉस्पिटल लाने के लिए उसे थैंक्स कहती है एंड ये कहती है कि मेरा नाम, दोबारा ये ऐसा कहती है एंड फिर कहती है कि मेरा नाम मैं है। जब मैंने उस नर्स से सब कुछ पता लगाया तो उसने कहा था कि मैं तुम्हें कॉन्टेक्ट इसलिए नहीं किया ताकि तुमने उसे नेम नहीं कहा था मेरा, तो अच्छा है कि तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओ, मुझे लगता है कि तुम मेरा नाम भूल गई हो। एंड युजु कहने जाती है क्योंकि एंड वो मन में सोच रखती है वो पहले एपिसोड वाला सीन। एंड वो कहती है कि जब तुमने मुझे ऐसा किया तो मुझे तुम्हारा नाम याद नहीं रहा। मैं यहाँ पर कहती कि तुम मेरी बड़ी बहन हो लेकिन मैं तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं दे सकती जिसकी एज मेरी जितनी ही है, तो आज से हम एक दूसरे को अपने नेम से ही बुलाएंगे। एंड आगे मैं कहती कि हम फैमिली है तो तुम्हारे इसके बारे में क्या सोचना है। एंड ये सुन के युजु काफ़ी खुश हो जाती है। आगे मैं कहती है कि मॉम को कहना कि वो चिंता ना करें, मैं जल्दी आ जाऊंगी। एंड युजु कहती है हाँ ज़रूर एंड वहाँ से जाने लगती है एंड उसे बाय बाय कह के चली जाती है वहाँ से। उसे जाते हुए मैं देख रही होती है एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि युजु घर पे जा रही होती है एंड उसका मॉम का फ़ोन आता है जिस पे वो बात कर रही होती है। युजु कहती है कि आप मेरे की चिंता ना करें, मैंने उससे बात की थी एंड वो कह रही थी कि अब हम फैमिली है तो आपको उसकी चिंता करने की अब ज़रूरत नहीं है एंड फाइनली अब हम दोनों सिस्टर्स हैं। एंड वो आगे बढ़ती है एंड अपना कार्ड वापस स्वाइप करती है लेकिन कार्ड काम आता नहीं है। अब हम दूसरे दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर युजु आई होती है ग्रैंडपा से फिर से मिलने के लिए। मैं उसे वार्ड में ले जाती है एंड युजु ग्रैंडपा से बात करने लग जाती है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। तो ग्रैंडपा कहता है कि तुम्हारे बहिष्कार के बारे में, तो वो कहती है कि हाँ। तो ग्रैंडपा कहता है कि मुझे भी उसके बारे में बात करनी थी लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ एंड सॉरी भी कहना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हें कल काफ़ी मुसीबत उठानी पड़ी। एंड युजु कहती है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं, अगर मेरा कोई फैमिली मेम्बर मुसीबत में होगा तो मैं उसका साथ ज़रूर दूंगी, तो आपको मुझे थैंक्स कहने की ज़रूरत नहीं है, मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। यहाँ पर ग्रैंडपा कहता है कि मैं एक बात से खुश हूँ कि मैं हॉस्पिटलाइजेशन में आया एंड मैं अपने आप को एग्जाम कर पाया एंड तुम्हारे बारे में मैंने मुझसे कहा भी था। तो युजु सोचती है क्या मैंने मेरे बारे में बात की इनसे। युजु इतना सोच ही रही होती है तभी ग्रैंडपा कहता है कि मैं तुम्हें अपने दिल की बात सुननी चाहिए एंड उसे फॉलो करना चाहिए। तो मैं कहती है कि ग्रैंडपा, एंड ग्रैंडपा कहता है कि तुमने मेरी बात सुनी, मैं कहती है कि हाँ। एंड अब नेक्स्ट सीन में ये दोनों बाहर होते हैं मैं एंड युजु, तो मैं युजु कहती है कि थैंक यू मैं, एंड मैं कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। तो युजु कहती है कि ठीक है, तो घर पर आने के लिए शुक्रिया, तुम्हारे बिना घर पर मॉम लोनली फील कर रही थी। एंड यहाँ पर मैं कहती है कि डैड नहीं है लेकिन फिर भी वो घर मेरा है एंड मेरे पास फैमिली भी है। ये सुन के युजु काफ़ी खुश हो जाती है। पर मैं कहती है कि अगर तुमने कोई हरकत की तो मैं वापस से चली जाऊंगी। अब हमें स्कूल दिखाया जाता है जहां पर हारुमी भावुक होके युजु को बाहों में पकड़ लेती है एंड युजु से रुकने को कहती है। वो कहती है कि मुझे लगा था कि तुम वापस नहीं आओगी और ना ही मैं तुम्हें फिर देख पाऊंगी। इन दोनों को दो लड़कियाँ देख रही होती है जिसकी वजह से युजु को काफ़ी अजीब लगता है एंड वो कहती है कि इन लोगों को पता नहीं कि आखिर क्या हुआ है।
अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूजु एंड मे घर पे आए होते हैं एंड मे की अपेरेंस से मॉम काफ़ी खुश हो जाती है यूजु की। यहाँ पर मे माफ़ी मांग रही होती है कि जो भी हुआ उसके लिए, लेकिन यूजु की मॉम उसे पकड़ लेती है एंड बाहों में लगा लेती है। ये देख के यूजु काफ़ी खुश होती है एंड वो कहती है कि फाइनली मे एट होम। अब नेक्स्ट सीन में यूजु मे का वो टॉय देखती है जो बियर होता है छोटा सा। अब थोड़ी देर बाद मे रूम में आती है एंड वो देखती है कि यूजु उसके टॉय को सिल रही होती है एंड मे कहती है कि तुम क्या कर रही हो एंड वो कहती है कि मैं इसे ट्रीटमेंट दे रही हूँ। तो मैं उसे कहती है कि बिना परमिशन के मेरी चीज़ें छुया मत करो। यूजु कहती है कि क्या तुमने इसे देखा था, तो मैं कहती है कि क्यों तुम ये पूछ रही हो एंड वो कहती है कि मैंने कुछ अलग ही एक्सेप्ट किया था एंड मैं कहती है कि क्या, तो वो कहती है कि कुछ भी नहीं एंड उसे अपना टॉय देने लगती है एंड कहती है किसका नाम एंथोनी को है आज से एंड मैं भी कहती है क्या है एंथोनी को। ये देखे मे को काफ़ी खुश होती है यूजु एंड मैं उस टॉय को ही देख रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर क्लासेस शुरू होने वाली होती है एंड यूजु एंड हारुमी बाहर घूम रहे होते हैं। पीछे से आवाज़ आती है कि तुम दोनों बाहर क्यों घूम रहे हो एंड यूजु देखती है कि वो मे होती है एंड हारुमी उस पर गुस्सा करने लग जाती है कि कहती है कि हम दोनों बाहर घूम रहे हैं क्या एंड यूजु से कहती है कि यस मैडम एंड उसे क्लास में धकेल देती है हारुमी को। यूजु मे को देखने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हारुमी एंड यूजु एक जगह पर होते हैं जहाँ पर यूजु कोई कॉमिक पढ़ रही होती है एंड हारुमी कोई ईसा गाना या कुछ सुन रही होती है। यहाँ पर यूजु मे के बारे में ही सोच रही होती है एंड हारुमी भी उसकी बात में पड़ जाती है एंड वो कहती है कि तुम ये कॉमिक क्यों पढ़ रही हो एंड उसे कॉमिक ले लेती है वो वाली एंड यहाँ पर भी यूजु कुछ ना कुछ सोच रही होती है। तभी हारुमी उसके ऊपर आ जाती है एंड यूजु कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो। यहाँ पर हारुमी कहती है कि मैं देख रही थी कि दो औरतें एक दूसरे को पोजेस कैसे करती है एंड यूजु कहती है कि यार तुम ये सच में करने के बारे में सोच रही हो और चिल्लाने लगती है एंड यहाँ से सीन शूट होता है उसके घर की तरफ। घर पे यूजु देखती है कि उसकी मॉम और उसकी सिस्टर कुछ लेके घूम रहे होते हैं जो कि कचरा ही होता है एक तरह से एंड यूजु कहती है कि ये क्या चीज़ है एंड उसकी मॉम उसे बेड दिखाती है कि जो होता है कि डबल बेड। यूजु की मॉम कहती है कि तुम हमेशा से एक बेड में सोना चाहती थी ना एंड यहाँ पर यूजु का मुंह उतरा हुआ लग रहा होता है। यूजु की मॉम कहती है कि तुम स्पीचलेस क्यों हो गई हो एंड यूजु यहाँ पर कहती है कि मैं शावर लेने जा रही हूँ, तो उसकी मॉम कहती है कि खाने के बाद जाना क्योंकि डिनर तैयार हो गया है एंड उसके बाद ये शावर ले लेती है एंड रूम में होती है बट ये बेड पर सो नहीं पा रही होती है एंड अपने ख्यालों में खोई हुई होती है एंड ये मे को देखती है एंड वापस से उसके स्किन एंड उसके हेयर के बारे में सोचने लग जाती है एंड वो कहती है कि मुझे इसे टाइटली हट करना है अब एंड उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है। तभी मैं जाग जाती है एंड मैं कहती है कि तुम क्या करना चाहती थी एंड यूजु कहती है कि सॉरी एंड मुझे भी नहीं पता कि एग्जैक्टली मैं क्या करना चाहती थी। यूजु अपना हरकत पर शर्मिंदा थी लेकिन मैं अपना वो नीचे वाला बेड निकालती है एंड उसमें सोने के बारे में सोचती है। यूजु यहाँ पर कहती है कि तुम मुझे मेरे नेम से क्यों नहीं बुला रही, मुझे पता है कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ तो ये तुम्हारे लिए काफ़ी मुश्किल होगा एंड यहाँ पर मैं कहती है कि हम एक दूसरे का नेम तभी ले सकते हैं जबकि हम ये हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी हो एंड वो कहती है कि हम दोनों फैमिली मेम्बर ज़रूर है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे से क्लोज होना चाहती हूँ एंड हाँ मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है एंड यूजु यहाँ पर कहती है अगर तुम में मुझ में इंटरेस्ट नहीं है या फिर किसी और में इंटरेस्ट नहीं है तो फिर तुम्हें किस कैसे कर सकती हो बिना फीलिंग के किसी को एंड तुमने ऐसा क्यों किया था एंड यहाँ पर मैं कहती है कि बस तुम मेरे रास्ते में आ रही थी इसलिए एंड उसकी तरफ किस करने को आगे बढ़ती है एंड यहाँ पर यूजु का मुंह बंद हो जाता है। ये किस करने को आगे बढ़ती है लेकिन किस नहीं करती एंड ये कहती है ये काफ़ी प्रभावित रास्ता है तुम्हारा मुँह बंद करवाने का है ना एंड उसके हाथ को यूजु आगे दूर कर देती है उससे एंड आगे यूजु कहती है कि तुम एक नंबर की फूल हो एंड मैं कहती है कि शायद मैं हूँ एंड आगे ये गुड नाइट कह के सो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों यानी कि हारुमी एंड यूजु क्लीनिंग कर रहे होते हैं टॉयलेट एंड वॉशरूम्स की। हारुमी कह रहे कि हम सिर्फ घूम रहे थे इसकी वजह से हमें ये करना पड़ रहा है एंड वो भी इसलिए ताकि प्रेसिडेंट तुम्हारे साथ रहती है एंड यहाँ पर यूजु कहती है कि मुझे माफ़ कर देना तुम्हें इसमें इन्वॉल्व करने के लिए एंड हारुमी कहती है कि कोई बात नहीं एंड यहाँ पर यूजु को रात वाली बातें याद आने लगती है जो भी मैंने कहा था एंड वो गुस्से से सब कुछ साफ़ करने लग जाती है। जहाँ पर हारुमी कहती है कि हमें सिर्फ साफ़ करना है ना कि इनको तोड़ना है एंड उसको वो सहारा देते हुए उसे नीचे बिठा देती है एंड यूजु भी बैठ जाती है। एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं
क्लासरूम में स्टूडेंट्स काउंसिलिंग के मेंबर्स चेकिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पर जो स्प्रिंग वाली लड़की होती है, आई मीन जिसके बाल स्प्रिंग जैसे होते हैं, वो यूजू के डेस्क पर देखती है यूजू की चीज़ें एंड मे को बुला लेती है वहाँ पर। एंड मे कहती है कि तुम दोनों आज फर्स्ट घर जाओगे एंड ये मुझ पर छोड़ दो। वो उसकी चीज़ें लेके वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में यूजू एंड हार्मी साफ करके क्लासरूम में आए होते हैं एंड बातें कर रहे एंड तभी यूजू को एक चीट जैसे कुछ दिखती है जिसमें लिखा होता है स्टूडेंट काउंसिलिंग ऑफिस में आ जाओ। एंड यूजू कहती है कि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट है, तो वो वहाँ से चली जाती है हारुमी को कह के। जब वो भाग रही होती है तो वो स्प्रिंग जैसे बाल वाली लड़की कहती है कि ऐसे हॉल में दौड़ना मना है, लेकिन यूजू कहाँ ना सुनने वाली थी एंड वो पहुँच जाती है स्टूडेंट काउंसिलिंग ऑफिस में। यूजू अचानक से दरवाज़ा खोल के अंदर चली जाती है तो मैं कहती है कि तुम्हें पता नहीं कि नॉक करके आना चाहिए। एंड यूजू इसे कल के लिए माफ़ी मांग रही होती है, लेकिन मैं कहती है कि वो बात नहीं है। तो यूजू कहती है कि तो फिर क्या है। एंड मैं कहती है कि देखो मुझे तुम्हारे बैग में से क्या मिला, मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुम इसके साथ क्या करती हो, लेकिन वो हम क्या सोचेंगी अगर ये देखेगी तो। एंड यूजू यहाँ पर सोच रही होती है कि मैंने इस कॉमिक को सीक्रेटली खरीद लिया था एंड इसे बैग में से निकालना भूल गई थी। मैं यहाँ पर कहती है कि इसके बारे में सिर्फ मुझे बताया है, बाकी किसी और को पता नहीं है। ये मैं यूजू से कुछ ना कुछ कह रही होती है, तभी यूजू भी उस पर झपट पड़ती है एंड उसे किस कर लेती है। यहाँ पर यूजू के आंसू निकल के मैं के मुंह पर गिरते हैं जिसे मैं देख रही होती है एंड वो कहती है कि हम अभी स्कूल में हैं। यूजू रोते रोते कहती है कि ये तुम्हारी वजह से हुआ है, जब तुमने मुझे किस किया था मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन तुम हर वक्त मेरे दिमाग में रहती हो। एंड वो आगे कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, तुम्हारे पास काफ़ी बुरी बहन है। एंड वहाँ से वो भाग जाती है एंड एक तरफ से हम उस स्प्रिंग वाली लड़की को आते हुए देखते हैं, दूसरी तरफ मैं अपने होठों को टच कर रही होती है एंड बाहर वो लड़की खड़ी हुई होती है जो कि समझ गई होती है कि क्या हुआ होगा। एंड जैसे वो कुछ कहती उससे पहले ही ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। हे गाइस, तो कैसा लगा ये एपिसोड मुझे बताना कमेंट करके एंड लाइक भी कर देना, अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।